Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. माई चैनल। सो आज का वीडियो है खट्टा मीठा एंड तीखा एक्सपीरियंस ऑफ ICE ट्रेन। सो अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो देखा नहीं है जहाँ पे हम ICE ट्रेन को छूटते छूटते बच गए एंड वी कैच हाउ वी कैच द ट्रेन एंड हमारे जो एक्सपीरियंसेस थे, सो गो एंड चेक, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आज आपको हम तीखे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस ऑफ दिस ICE ट्रेन, यहाँ पे आपको मेरे खट्टे मीठे एंड तीखे का मतलब होता है कि गुड एंड बैड एक्सपीरियंस ऑफ दिस ट्रेन एंड विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस ट्रेन, ये सारी चीज़ें सीधे दिल से आपके पास मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि हम दिल से हैं हिंदुस्तानी, सारी चीज़ें हम दिल से करते हैं। सो राइट नाउ ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो सबसे पहले, जिसे पता नहीं है व्हाट इज ICE ट्रेन एंड इट्स फीचर, सो सबसे पहले ICE ट्रेन जो है, इट्स इंटरसिटी एक्सप्रेस, इट्स अ हाई स्पीड ट्रेन, सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन जो कि जर्मनी के मेजर सिटीज को कनेक्ट करती है। एंड अगर उसकी स्पीड की बात करें, इट इज अराउंड 300 किलोमीटर पर हावर। कांजो बिलिंग 300 किलोमीटर पर हावर एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे, एकदम फास्टेस्ट वे जो कि डिफरेंट सिटीज में ट्रैवल कर सकते हैं, वेदर इज बर्लिन, हैमबर्ग, कोलोन, आप कोई भी सिटीज में ट्रैवल कर सकते हैं विद दिस ट्रेन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाई वी शुड ट्रैवल बाय दिस ट्रेन वंस, एक बार तो आपको ट्रैवल करना चाहिए। द रीजन इज दैट, क्योंकि जिस तरह से नाम है ICE इज इंटरसिटी एक्सप्रेस, इसकी स्पीड आप देखोगे ना, इट मिनटों में वो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कवर करती है। सो अगर आपको डिफरेंट लोकेशंस इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम ट्रैवल करना है, सो दिस इज द बेस्ट ट्रेन यू कैन टेक इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबिलिटी, टाइमिंग, एंड अगर आपको ज़्यादा लोकेशंस ट्रैवल करना है, सो दिस इज द बेस्ट ट्रेन आई कैन टेल यू। नाउ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है भाई, ये ट्रेन अच्छी खासी चल रही है, बट हाउ टू बुक दिस ट्रेन, ये ट्रेन को आप कैसे बुक कर सकते हैं। सो आई विल टेल यू कि एक तो आप अगर आप जर्मनी में हो, सो देर इज अ ऐप कॉल्ड DB नेविगेटर, वहाँ से भी आप ICE ट्रेन की सीट्स बुक कर सकते हैं। एंड दूसरा, आप ऑनलाइन भी इस ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है www.ban.de, जहाँ से आप आपकी टिकट्स प्रिंट आउट कर सकते हैं। एंड मोस्टली बहुत सारी ICE की जो बुकिंग है, 6 months before departure स्टार्ट हो जाती है। नाउ रिजर्वेशन जो होता है मोस्टली कंपल्सरी होता है ICE ट्रेनों के लिए, एंड अगर आप रिजर्वेशन करते हैं, सो यू आर एश्योर कि आपकी सीट आपको मिलने वाली है। इसका मतलब वहाँ पे जैसे स्मॉल एक्स्ट्रा चार्ज सीट रिजर्वेशन के लिए लेते हैं इफ यू वॉन्ट वन, अगर आप एक सीट बुक कर रहे हैं, और तो इट इज करंटली फ्री इफ यू बाय अ फर्स्ट क्लास टिकट एट www.ban.de। सो पर कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास यू डोंट हैव अ टाइम एंड अगर आपने सीट रिजर्व नहीं किया, सो यू कैन फाइंड
यू कैन जस्ट फाइंड एन एम्प्टी अनरिजर्व्ड सीट. आप जा सकते हैं ट्रेन में, वहाँ पे एक एलईडी बटन होता है जो कि ऊपर तक होता है. सो दिस इज लिटिल एलईडी रिजर्वेशन डिस्प्ले जो कि हर एक सीट के ऊपर होता है, जिससे हमको ये पता चल सकता है कि वेदर दैट सीट इज रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड. That means you can always buy a full price ticket and get on the next train. IC train जो के जो tickets हैं, you can get like that also too. But the seat reservation is a very good idea अगर आप long journey के लिए जा रहे हो and आप cheaper fares भी in that case explore कर सकते हैं. Now वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे होती है कि जो ये बोलते हैं स्पार प्राइस टिकट जो होती है, इट शुड बी बुक्ड इन एडवांस एट www.ban.de. नाउ बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द मिस्टेक्स टू अवॉइड. कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं. मिस्टेक्स नहीं बोल सकती हूँ मैं, बट इट इज अ ट्रिप strategy and tips you should follow while you're traveling on IC train. सबसे पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में ये आता है कि should you go in first class or second class? कि first class के टिकट ले या second class के टिकट ले. So friends, यहाँ पे जर्मनी में फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में जो डिफरेंसेस होते हैं, इट्स नॉट वेरी वास्ट. इट जो भी डिफरेंसेस है वो वॉट पी से क्वालिटी एंड एस्पेक्ट्स में होती है. जैसे कि सेकेंड क्लास के अगर आप सीट देखोगे, इट्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छे से बैठ सकते हो. एंड अगर आप फर्स्ट क्लास की बात करें, सो वहाँ पे जो बैठने की कंफर्टेबिलिटी है, वहाँ पे आपके जो लेग रूम है, मतलब जो पैर फैलाने की जगह है, वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस होती है. एल्बो रूम ज़्यादा होता है एंड एनवायरमेंट भी बहुत ज़्यादा क्वाइट होता है. एंड मोस्टली जो बिजनेस ओरिएंटेड है या जिसको बहुत पीसफुली काम करना है, बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए, दे कैन गो फॉर फर्स्ट क्लास वन. सो ओनली डिफरेंस जो होता है, आई कैन टेल अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, इज अ सिटिंग अरेंजमेंट. और सेकेंड आई कैन से कि जो एक्सपीरियंस ये है कि इन फर्स्ट क्लास मोस्टली जो रेस्टोरेंट से आपको कुछ ऑर्डर करना है, सो द पर्सन खुद आके आपका ऑर्डर लेके जाता है, जैसे रेस्टोरेंट में होता है. वैसे सेकेंड क्लास में आपको जाके खुद बुक करना पड़ता है कि यू वांट दिस मेन्यू और मतलब छोटे बच्चों के लिए ये फैमिली कंपार्टमेंट जैसा है कि जहाँ पे नीदी बैठी है वैसे फैमिली रह सकती है, बैठ सकती है. और यहाँ पे तो डोर है जो कि हम बंद कर सकते हैं. और ये जो है वो इजीली फोल्डेबल भी है और ऐसा बंद भी हो सकते हैं. सो दिस इज गुड. एंड और एक थिंग मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ये जो आपको लाइट वाला बटन दिख रहा है वो इसलिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम पड़ गई आप दबाना, फिर वो लोग आएंगे और आपको हेल्प करेंगे. और आप देख रहे हो इतना स्पेशियस है ना, मतलब आपको चाहिए तो आप बैठ जाओ. फेवरेट तो ये ट्रायंगल के तरह मुझे यहाँ पे बुक रेट कर देते हैं. ये डोर सेक्शन भी है जिसमें मैंने डोर क्योंकि ये स्लो में चल इसलिए ये हम मतलब इजीली आप यूज कर सकते हो ये वाली चीजें. और यहाँ पे भी सेम है. सो दिस इज ग्रेट. सो ये तो बात हो गई आपके फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास लेने की. नाउ अगर आप बोर्डिंग की बात करते हैं कि कैसे बोर्डिंग होती है जब आप ऐसी ट्रेन में आपको अटेंड करना है, सो व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो गाइस, यूरोपियन ट्रेन्स जो होती है वहाँ पे वैसा कोई चेकिंग नहीं होता है, आपको डायरेक्टली स्टेशन जाना है, इंडिकेटर बोर्ड्स चेक करने हैं कि कहाँ पे ट्रेन है, जस्ट स्टेप ऑन. और स्टेप ऑन कब, ट्रेन छूटने से पहले आपको स्टेप ऑन करना है ट्रेन में, बिकॉज एज यू नो जर्मनी की ट्रेन इज ऑन टाइम. सो अगर आपने हमारा यूनिफॉर्म वाला वीडियोस देखे नहीं है जहाँ पे ट्रेन को टाइम पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो गो एंड चेक इट. इट्स अबाउट पंचुअलिटी ऑफ ट्रेन्स इन जर्मनी. नाउ
एक्सटीरियर डिस्प्ले से आपको ये पता चल जाता है कि ट्रेन नंबर क्या है, कहाँ पे डेस्टिनेशन है, कॉलिंग पॉइंट कौन सा है, कार नंबर, सारी चीजें वो ऑन इंडिकेटर डिस्प्ले होती है. सो ऑन बोर्ड अनाउंसमेंट भी होती है जो कि बोर्ड जर्मन एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होती है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू बोर्ड द आईसी ट्रेन. नो प्रॉब्लम राइट. नाउ मुझे ऐसे बहुत सारे क्वेरीज भी मिलते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो सीट रिजर्वेशन है, कभी कभी हमें टाइम नहीं मिलता है सीट रिजर्वेशन करने के लिए. सो हाउ टू कंफर्म लाइक दैट राइट. सी इट्स वेरी सिंपल. स्पॉन LED डिस्प्ले जो कि हर एक सीट के ऊपर होता है, इस विच टेल अस कि सीट रिजर्व है या नहीं एंड विच सीट आर फ्री. सो आपको ये मैसेजेस देखने हैं. सबसे पहला मैसेज होता है GGF मतलब फ्राइड बिन. इसका मतलब ये होता है लास्ट मिनट रिजर्वेशन सीट होता है. दैट मीन्स यू कैन सिट इन इट इफ यू लाइक बट विल हैव टू मूव इफ समवन अप्स विद रिजर्वेशन. मतलब आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हो बट सपोज कोई आ रहा है तो यू नीड टू एम्प्टी द सीट. सेकेंड अगर आपको ये मैसेज दिख रहा है GGF reserved. This means keep the train's onboard reservation system hasn't been updated with the latest information. मतलब जो ट्रेन की जो सिस्टम है वो रिजर्व अभी तक अपडेट नहीं हुई है. Usually all of the scene show this message if this happened. Seat reservation are still valid but cannot be seen on the LED display. So you can sit in the seat but you could be asked to move someone show up with reservation. So इसका मतलब यही है कि आपको ये जो मैसेजेस आ रहे हैं सिस्टम के अंदर, यू शुड बी क्लियर विद इट कि क्या मैसेज है एंड देन यू विल कम टू इन इंफॉर्मेशन. नाउ एंड जो मैंने जब ट्रैवल की इस आई गॉट इट. सो हाउ आई कैन कैरी माय बेबी इन आईसी ट्रेन. सो इफ यू आर न्यू इन जर्मनी, there are certain rules and regulation to be followed while traveling, right? So, agar aap IC train mein travel kar rahe hain and aapke paas ek sweet sa baby hai, to aap ko kya karna chahiye? So, aap aapke kindergarten ya carrier ka bhi use kar sakte hain and there is a place assigned for keeping that wagon when you enter the train and starting. So, you can take the baby with you, no problem at all. सेकेंड क्वेरी आती है कि वी आर फैमिली एंड वन किड, विच टेबल शुड आई बुक? फैमिली टेबल बुक करना है या किंडर बेराइज? अगर आपको ये नहीं पता कि किंडर बेराइज क्या है, सो आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली इज किंडर बेराइज एंड इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर मैरिड कपल एंड फैमिली जिसके पास बेबी है या बच्चे हैं उनके लिए एरिया स्पेशली यूज किया जाता है. Now, first of all, I will answer you with that part ki I will suggest you book Kinderbereich because you will get a special cabin. Aapko ek cabin milega jahan pe aapke bachcho ke sath aap time spend kar sakte ho, aaram kar sakte ho and itna space sufficient hota hai ki aapke bachcho ke ko leke aap freely move kar sakte ho. Agar chota baby hai, agar wo ro raha hai, so you can move spaciously in that area. So according to me, instead of family table जो कि 4 लोगों की सीट्स की जगह होती है, I will tell you कि book Kinderbereich if you have a kid less than. Bad experiences की बात करें तो मुझे bad experiences कि allowing pets in a train जो मुझे ऐसा लगा कि is not at all good, but which according to me is bad experience for me. It is my opinion. आपकी opinion vary हो सकती है. So no water to drink. As you know, Germany में वैसे भी पानी नहीं मिलता है कहीं पे. You need to buy and carry. So बिल्कुल भूलना नहीं है आपको पानी की बॉटल. Second, तीखा experience. तीखा experience का मतलब होता है कि foods are very very expensive. So better pack your tiffin always. Doesn't matter. You need to go for garden, picnic or ICU train. We always prepare our tiffin in advance, right? So pack your tiffins right, everybody. And agar good experiences ki baat kare about this train is ki yahan pe free wifi hai sare compartments mein.
There's a power socket for laptops and mobiles in both the classes of the usually rope-in tubing type. And baby changing facilities bhi hai. And a small play area in a special parent and child compartment जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ किंडर गैरेज. सो यहाँ पे आप बेबी के क्लोथ चेंज कर सकते हो. प्ले एरिया है जहाँ पे बच्चे बोर नहीं होंगे. तो चाहे 1 ईयर का बच्चा हो या 6 to 7 years का बच्चा हो, एवरीथिंग दैट इज देयर टू प्ले विद इट. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया टू वर्क विद इट. So this is my experiences and let us know you in your comment section कि अगर आपको और कोई information चाहिए, I will surely help with you. And if you haven't like, subscribe. And अगर आपके किसी friends को information चाहिए, let me know and subscribe जरूर कर दीजिए ताकि आपको video on time पहुंच सके. तब तक के लिए be happy, stay happy. Not of memories.